जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है एसकेटी फैंटेसी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रणजी ट्रॉफी मैचेस के बारे में। तो मैं ये रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच रहने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ पहले मैं बताना चाहूंगा। तो पहले बात मैं मैच डिटेल्स, दोनों टीम की फॉर्म, पिच रिपोर्ट, और उसके बाद इस ग्राउंड पे कितने रन तक बन सकते हैं, फेस बॉलर स्पिन बॉलर कितने भी गेम हैं ये भी बताऊंगा, और दोनों टीम की प्लेयर्स की क्या स्टैट्स रहने वाले हैं, और यहाँ पर कौन कौन सा प्लेयर अच्छा रहने वाला है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए कितने प्लेयर्स तक लेंगे तो हमारा टीम स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो पे देने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ साथ घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक करना भाई, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पहुंच जाकर देख सकते हो। एक और बात है, फाइनल टीम पता रखे जो भी होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो भाई जो जो यूजर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मैचेस भी कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों का फायदा मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कंपल्सरी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट ये सब कुछ तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर 8 प्लेयर को लेके रख चुका हूँ। तो भाई ये टेस्ट मैच है, तो आप यहाँ पर 2-3 प्लेयर पर प्रेडिक्ट करके आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर मैं 8 बेस्ट प्लेयर्स को ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 8 बेस्ट प्लेयर्स हम लोग को ग्रैंड लीग जितवाएंगे। तो वो 8 प्लेयर कौन है वो आपको जानना पहले काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ 8 प्लेयर कौन रहने वाले। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 8 प्लेयर आपको नारायण जगदीशन, बाबा इंद्रजीत, चेतेश्वर पुजारा, साई किशोर, रंजन पाल, जडेजा, जयदेव उनादकर और संदीप वारियर, ये जो 8 प्लेयर है पहले आप टीम में इनको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 8 प्लेयर आपको चाहे स्मॉल लीग खेलो या ग्रैंड लीग खेलो, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप 4-5 प्लेयर को ले लिए आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, तो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। आप जितने भी मैचेस खेल लो लेकिन ये 8 प्लेयर आपको टीम पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लेयर के रिसेंट जो फॉर्म है कमाल की है। तो बाकी 3 प्लेयर्स को पिक करने से पहले भाई आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 8 प्लेयर को सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग भी ट्राई किए, लेकिन क्या इसमें कोई चेंजिंग करना चाहिए या नहीं अभी हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको सारे स्टैट्स जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई उस स्टैट्स क्या रहेगा। तो ये मैच आपको तमिलनाडु वर्सेस सौराष्ट्र के बीच में खेला जाएंगे, थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच है, और ये मैच आपको भारत के टाइम के अनुसार 9:30 बजे सवेरे खेला जाएंगे। वेन्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बतूर इंडिया में होगा, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। आप सभी को पता है कि वहां की जो वेदर है काफी बढ़िया रहता है। उसके बाद दोनों टीम की फॉर्म पे नजर रखा जाए तो तमिलनाडु यहाँ पर लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारे, मैच सारे के सारे मैचेस जीत के आ रहे हैं और एक मैच ड्रा हुआ था। तो सौराष्ट्र टीम को भी आप कमजोर मत समझिएगा, इस टीम पे चेतेश्वर पुजारा है भाई, जयदेव उनादकर जैसे दो भारत के एक्सपीरियंस प्लेयर्स है भाई वहां पर, तो चेतेश्वर पुजारा द वॉल कहा जाता है जब टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है, तो उनको आउट करना तमिलनाडु के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। तो आप एक बार सौराष्ट्र टीम पे देखा दे तो टीम एक भी मैच नहीं हारे भाई, यहाँ पर बैक टू बैक सब मैच जीत के आ। तो अगर रिसेंट फॉर्म पे एक बार नजर रखा जाए तो दोनों टीम के तो ये है भाई, लेकिन मैं बताऊंगा ये दोनों टीम बैक टू बैक मैच जीत रहे हैं भाई, T20 फॉर्मेट जैसे जो लीग्स हो रहे हैं यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी देवदास वहां पर जीतते हैं, सौराष्ट्र भी टेस्ट मैचेस जीत के आ रहे हैं भाई यहाँ पर, तो ये दोनों टीम के पास जो कॉन्फिडेंस है काफी हाई है और ये दोनों टीम काफी स्ट्रांग है भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या टॉस क्रूशियल रहेगा तो आपको मैं बताना चाहूंगा, लास्ट 5 मैच में ग्राउंड पे देखा जाए तो पहला बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर 40% और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम 60% जीते हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों टीम की अब एक बार देख लीजिएगा भाई, तमिलनाडु लास्ट 10 मैचेस में इस ग्राउंड पे देखा जाए तो 60% जीतने के चांसेस दोनों टीम के पास लगभग सेम है। उसके बाद यहाँ पर एवरेज जो स्कोर है दोनों टीम की 361-359 है भाई, बहुत अच्छा है। हाईएस्ट स्कोर 610 रन इस ग्राउंड पे और यहाँ पर 578 रन, 143 लोएस्ट स्कोर है 145। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीम की लगभग फॉर्म सेम टू सेम है भाई यहाँ पर, तो इस ग्राउंड पे दोनों टीम के लगभग रिकॉर्ड भी सेम है। अब बात करेंगे तमिलनाडु टीम की प्लेइंग 11 किस प्रकार रहेगा ये जान लीजिएगा पहले, क्योंकि भाई जो मैं प्लेइंग 11 बता रहा हूँ थोड़ा अलग लेवल बता रहा हूँ, अभी तक आपको कोई ऐसा बताया नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस टीम के विकेट कीपर पे आपको नारायण जगदीशन और लोकेश्वर आएंगे भाई, एस लोकेश्वर आपको विकेट कीपिंग पे। उसके बाद विजय शंकर, बाबा इंद्रजीत और साई सुदर्शन, साई सुदर्शन को यहाँ पर काफी लोग अवॉइड कर रहे हैं भाई,
लेकिन मैं बताना चाहूंगा साई सुदर्शन को आप टीम में रखिएगा, एक प्लेयर आपको ब्रैंडली जितवा सकता है क्योंकि भाई इनके रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, लेकिन टेस्ट में एक दो मैच ड्रॉप हो सकते हैं, सभी प्लेयर में एक नॉर्मल चीज है। तो साई सुदर्शन इंडिया ए के लिए जो खेले थे मैं वहां पर कमाल की परफॉर्मेंस रहा था इनका। उसके बाद आठ साई किशोर और रंजन पर, तो साई किशोर को आप जानते हैं जानते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। उसके बाद एशिया जो एशियन गेम जो हुआ था भाई वहां पर साई किशोर का रोल भी बहुत अच्छा था यहाँ पर। उसके बाद आपको आएंगे भाई अजित राम मोहम्मद और संदीप वाघे। संदीप वाघे भारत टीम के लिए ज्यादा मैचेस में एक से दो मैचेस खेले भाई, और इंडियन टीम के लिए हमेशा नेट बॉलर रहे थे यहाँ पर। तो संदीप वाघे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, मैं सोचता कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुलदीप सेन, कुलदीप सेन भी आप सभी को पता है भाई यहाँ पर आईपीएल में कुलदीप सेन खेलते हैं। तो ये रहेगा भाई तमिलनाडु टीम की प्लेइंग 11। तो ये टीम की प्लेइंग 11 देखने के बाद दूसरा टीम की प्लेइंग 11 देखना बनता है। तो दूसरा टीम की अगर बात किया जाए भाई यहाँ पर सौराष्ट्र टीम के लिए, तो सौराष्ट्र टीम के लिए आपको कुलदीप सेन और यहाँ पर हार्दिक देसाई यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग पे नजर आएंगे। चतेश्वर पुजारा वासवाड़ा और यहाँ पर आपको नजर आएंगे भाई जीव रजनी। तो यहाँ पर आपको चतेश्वर पुजारा एक दीवार है भाई इस टीम के लिए, पिलर बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनका जो रोल रहेगा काफी अच्छा जाता है भाई और काफी अच्छे फॉर्म में भी है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया टीम के निकलने के बाद भी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पर ये एक पिलर है इस टीम के लिए। मैं बता रहा हूँ ये प्लेयर को अगर जल्दी आउट कर लेते हैं तमिलनाडु टीम तो सोच लीजिए कि तो तमिलनाडु ये मैच जीत सकता है, लेकिन अगर चतेश्वर पुजारा टिक गया तो आप सोच लीजिएगा यहाँ पर सौराष्ट्र जीतने की चांसेस भी बहुत हाई होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में प्रेरक मंदर और यहाँ पर गणित और यहाँ पर पी भूट है और जयदेव उनतकर और डी जडेजा भाई यहाँ पर। तो जयदेव उनतकर यहाँ पर काफी बढ़िया पिकअप है, रंजीश में इनका रिकॉर्ड काफी अच्छे है डोमेस्टिक में और आप इनको टीम में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे भाई डोडिया आप इनको टीम पे ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लिया भाई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अब प्लेइंग 11 देखने के बाद प्लेयर्स की स्टैट्स जो बनता है भाई यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु टीम की प्लेयर्स की क्या स्टैट्स रहने वाले, तो नारायण जगदीशन है भाई यहाँ पर। तो नारायण जगदीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके रिसेंट फॉर्म पे कोई खास परफॉर्मेंस तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाई यहाँ पर काफी अच्छे फॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 रन 73 गेंदों पे कर्नाटका के खिलाफ, गोवा के खिलाफ 79 रन बनाए और तमिलनाडु चेन्नई के बीच में जो मैच हुआ था भाई वहां पर 321 रन 3100 लगा के आ रहे भाई। उसके पहले रायपुर के खिलाफ 245 रन बनाए थे 402 गेंदों पे, तो एक 300 एक 100 एक अर्धशतक और एक मैच 48 रन बनाए। तो ये प्लेयर पे ज्यादा चांसेस है पिकिंग के लिए और नारायण जगदीशन सीएसके टीम के लिए भी खेल चुके हैं भाई आईपीएल में। तो नारायण जगदीशन एक अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ बैट्समैन है, तो आपको इनका जो फादर है भाई बीसीसीआई के एक मेंबर है यहाँ पर आप सभी को पता है जो आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर नारायण जगदीशन के लिए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा और ये प्लेयर काफी अच्छे खेलते हैं भाई यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ पर रिकमेंडेशन तो अच्छे। नारायण जगदीशन आईपीएल में भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे भाई, इतना खास तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें अच्छे खेलते हैं आईपीएल भी अब मार्च डेट पे स्टार्ट होने वाले भाई तो ये ऑप्शन पे खड़ा हुआ है नहीं अनसोल्ड है हमको पता नहीं है, लेकिन नारायण जगदीशन काफी बढ़िया प्लेयर है आप इनको टीम पे रख लीजिए। उसके बाद आते हैं भाई सुरेश लोकेश्वर। सुरेश लोकेश्वर अगर देखा जाए भाई यहाँ पर 240 है और 77 और लास्ट मैच में 4 बना के आउट हो गए थे कर्नाटक के खिलाफ। कर्नाटक टीम काफी स्ट्रांग है, उस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस कर रहा है किसी भी प्लेयर के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सुरेश लोकेश्वर यहाँ पर आपको विकेट कीपर है, तो आप नारायण जगदीशन और लोकेश्वर इन दोनों में एक ही प्लेयर को ले सकते हैं। तो भाई अभी जो मैं तमिलनाडु टीम की प्लेइंग 11 बता रहा हूँ इसमें भी आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन यहीं पर बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आते हैं भाई विजय शंकर। विजय शंकर अगर देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में 1 मैच में बल्लेबाजी मौका नहीं मिला, 2 अर्धशतक और यहाँ पर एक और अर्धशतक, तो लास्ट 5 मैच में 3 ऑफ सेंचुरी से भाई इनके पास, तो आप इनको कंफर्म कर लीजिएगा। विजय शंकर के पास एक्सपीरियंस है, इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके भाई और इस सीजन गुजरात टाइटंस के लिए जो खेले थे भाई यहाँ पर, तो वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था आईपीएल में, तो आप विजय शंकर को कंफर्म कीजिएगा। बाबा इंद्रजीत अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में 2 शतक इनके खिलाफ है भाई, 2 शतक लगाए थे यहाँ पर कर्नाटक के खिलाफ लास्ट मैच में भी शतक 140 प्लस स्कोर है और यहाँ पर एक अर्धशतक है, तो आप इनको कंफर्म कर सकते हो बाबा इंद्रजीत को, यहाँ पर हमने टीम पर ले चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को मैं बता चुका हूँ भाई ये प्लेयर काफी बढ़िया है, इंडिया ए के खिलाफ और इंग्लैंड ए के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर 124 रन बनाए थे देख लीजिएगा, इंग्लैंड ए के खिलाफ 97 रन बनाए थे, तमिलनाडु और गुजरात यहाँ पर ये दोनों मैच फ्लॉप रहे, लेकिन जब इंडिया ए की बात आई भाई तो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ा साई सुदर्शन ने,
मैच में लगभग दोनों सेंचुरी, एक मैच में 124, एक मैच में 97 पे आउट हो गए इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप शायद सुदर्शन अगर प्लेइंग 11 पे अवेलेबल है तो आप आंख बंद करके इनको कंफर्म कर लीजिएगा। उसका बाद आते हैं भाई साई किशोर। साई किशोर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा स्पिन बॉलर है भाई यहाँ पर, तो आप इनको टीम पे रखिएगा। लास्ट मैच में 5 विकेट, 8 विकेट, 8 विकेट, 7 विकेट एक मैच में त्रिपुरा के खिलाफ नहीं खेले थे, और यहाँ पर हर मैच में ये भी देखे लास्ट 4 मैच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके नाम पे 15+8, 23+5, 28 विकेट इनके नाम पे। तो यहाँ पर मैं साई किशोर को कंफर्म करने वाला। उसके बाद यहाँ पर प्रदोष रंजन पाल है भाई यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इनके प्रदोष रंजन पाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप इनको टीम पे ले सकते हो आप। तो अगर इनकी बात किया जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है भाई यहाँ पर। लास्ट 5 मैच में 2 शतक है भाई यहाँ पर, 2 विकेट, हर मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। एक लास्ट मैच में कर्नाटका के खिलाफ 79 रन बनाए थे 131 गेंदों पे, प्लस 2 विकेट भी लिए थे, और यहाँ पर 43 रन, 2 विकेट है, 21 रन है। तो यहाँ पर इंडिया ए और इंग्लैंड ए के बीच में जो मैच हुआ था भाई, वहां पर भी प्रदोष रंजन पाल ने खेला था। तो यहाँ पर इनके पास में एक्सपीरियंस है, और ये प्लेयर अगर इंडिया ए के लिए खेलते हैं भाई तो सोच लीजिए 50-60% है वो भारत टीम के लिए खेल चुका है, तो आप प्रदोष रंजन पाल को अवॉइड नहीं कर सकते। और यहाँ पर आते हैं भाई अजित राम। अजित राम अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी किए थे, 9 विकेट लिए थे भाई यहाँ पर दोनों इनिंग से मिला के। गोवा के खिलाफ यहाँ पर 7 विकेट, फिर चेन्नई के खिलाफ 5 विकेट, और यहाँ पर रायपुर के खिलाफ 6 विकेट, लेकिन त्रिपुरा के खिलाफ नहीं खेले थे। तो यहाँ पर आप अजित राम को भी आप कन्फर्म कर सकते हो। तो ये रहा भाई यहाँ पर लगभग, यहाँ पर हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 देखने के बाद अभी हम बात करेंगे भाई मोहम्मद की। तो यहाँ पर मोहम्मद लास्ट मैच में 3 विकेट लिए भाई, तो यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन गुजरात के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर 89 रन के साथ साथ 5 विकेट भी लिए थे यहाँ पर। तो आप मोहम्मद को भी आप अपनी टीम पे ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर संदीप वारियर आ रहे हैं भाई। संदीप वारियर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 10 विकेट है, तो संदीप वारियर को आप यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा। संदीप वारियर को यहाँ पर अपने टीम पे ले रखे हैं भाई, तो उनको मैं अवॉइड करूंगा। और कुलदीप सैन है भाई यहाँ पर, कुलदीप सैन अगर देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 4 विकेट है, तो इनको भी यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा भाई। तो अभी यहाँ पर आपको इस टीम पे कौन कौन से प्लेयर अच्छे आपको मैं बता दे दूं, तो भाई यहाँ पर आपको मैं लेने के लिए सलाह दूंगा अजित राम को, आप मेगा ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो भाई यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मैच में 9 विकेट लिए हैं, 7 विकेट इस प्रकार है, अजित राम काफी बढ़िया पिक है। प्रदोष रंजन पाल को भी आप अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये विकेट कीपर इनका नाम लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है, एक बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको साई किशोर काफी बढ़िया पिक है भाई, इनको तो मैं टीम पे रख ही लूंगा। और यहाँ पर आपको साई सुदर्शन है, अगर प्लेइंग 11 पे अवेलेबल है तो इनको मैं टीम पे जरूर रखने वाला हूँ। बाबा इंद्रजीत ये टीम पे रहेगा भाई। विजय शंकर को थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा, इनको मैं अवॉइड करूंगा भाई ये मैच में। सुरेश लोकेश्वर को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नारायण जगदीशन को मैं ले रहा हूँ। तो चलिए एक बार यहाँ पर नारायण जगदीशन को मैंने ले लिया भाई। उसके बाद विजय शंकर, बाबा इंद्रजीत, छत्तीसगढ़ पुजारा को पिक करके रखे भाई, लेकिन यहाँ पर साई किशोर को ले चुके, रंजन पाल को भी ले चुके हैं भाई, और गेंदबाजी में जयदेव बनकर, संदीप वारियर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जडेजा को लेकर रख चुके हैं भाई। तो इस मैच में अजित राम को अपने टीम पे ले सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में 9 विकेट लिए थे कर्नाटका के खिलाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई लगभग यहाँ पर हमने एक टीम के प्लेइंग 11 के साथ साथ स्टैट्स भी जान लिए और बेस्ट प्लेयर्स को भी पिक कर लिए। अब जान लेते हैं भाई यहाँ पर हम सौराष्ट्र टीम की प्लेइंग 11, और यहाँ पर सौराष्ट्र की प्लेइंग 11 के साथ साथ स्टैट भी आपको शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुलदीप सैन आपको विकेट कीपर, सॉरी सेल्डन जैक्सन है भाई यहाँ पर। सेल्डन जैक्सन काफी बढ़िया प्लेयर है, तो लास्ट मैच में देखा जाए तो 20 रन बनाए थे, लेकिन 165 रन इनके पास है भाई 332 गेंदों पे, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर काफी बढ़िया प्लेयर है। और हार्दिक देसाई है भाई, ये भी एक विकेट कीपर है, तो लास्ट 5 मैच में देख सकते हो 68 रन, 48-30 इस प्रकाश को रहे, तो इनको मैं हार्दिक देसाई को अवॉइड करूंगा। उसके बाद आ गया भाई हमारा वॉर्ड चेतेश्वर पुजारा, तो इनके देख सकते हो भाई लास्ट मैच में MEN ये कौन सा टीम है मुझे पता नहीं भाई, लेकिन वहां पर बनाए थे 108 रन, 105 गेंदों पे। तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा कभी ऐसे नहीं खेलते हैं भाई, क्योंकि इनका जो 108 रन बनाए तो सोच लीजिए 200+ बॉल होगा, लेकिन यहाँ पर काफी स्पीड खेले थे भाई, 108 रन बनाए थे। सौराष्ट्र और राजस्थान के बीच में जो मैच हुआ था वहां पर 135 रन बनाए 290 गेंदों पे। उसके बाद महाराष्ट्र के खिलाफ बैड लक था भाई, 3 रन बना के आउट हो गए। फिर यहाँ पर सर्विस के खिलाफ 91 रन, 133 गेंदों पे। विदर्भ के खिलाफ यहाँ पर 109 रन, 242 गेंदों पे। तो भाई ये जो बॉलर्स को फेस करके आए, मिचेल स्टार, ट्रेंट बोल्ट, टिम चौधरी, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे दुनिया के जितने महान बॉलर्स को ये चेतेश्वर पुजारा फेस करके आ रहे हैं भाई, तो इनके लिए भारतीय जो पिचेस पे गेंदबाज है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये प्लेयर को आप
आंख बंद करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेयर आपको 100% प्राइमरी दिलवाने वाले हैं भाई। तो चेतेश्वर पुजारा प्ले 11 पे अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर इनको मैं जरूर टीम पे रखूंगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन को ये मेरे टीम पे 100% रहने ही वाले हैं, और ये प्लेयर आपको अच्छा खेल के देने भी वाले हैं। उसके बाद आते हैं अर्पित वसवाड़ा, इनके नाम तो मैं काफी सुना है, और यहाँ पर अर्पित वसवाड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 75 रन राजस्थान के खिलाफ खेले थे, महाराष्ट्र के खिलाफ फ्लॉप थे भाई, यहाँ पर सर्विस के खिलाफ 70 रन थे, और विदर्भ 4 रन, और यहाँ पर हरियाणा के खिलाफ 57 रन थे। तो अर्पित वसवाड़ा को काफी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं केविन जीवा रजनी, यहाँ पर इनपे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनपे भी 2 अर्धशतक है भाई इनके नाम पे, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रेरक मनकर, प्रेरक मनकर काफी बढ़िया पिक है भाई यहाँ पर, लेकिन इनके रिसेंट फॉर्म पे अगर नजर रखा जाए तो यहाँ पर 2 अर्धशतक 1 शतक है भाई, और यहाँ पर कुछ गेंदबाजी कभी कभी करते हैं, तो आप प्रेरक मनकर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर हम बात करेंगे चिराग जनी, चिराग जनी अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर काफी सालों से सौराष्ट्र टीम के एक मेंबर है भाई यहाँ पर, तो अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर लास्ट मैच में 80 रन बनाए थे, यहाँ पर 21 रन है, फिर 50 रन बनाए भाई, 48 रन, 112 रन और 9 विकेट है। तो यहाँ पर अब क्या इनको लेना चाहिए, तो भाई इस मैच के लिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं भाई पार्थ भूत, पार्थ भूत अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बल्लेबाजी में काफी कम नजर आते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में 9 विकेट एक मैच में, 1 विकेट 2 विकेट, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 विकेट है, तो यहाँ पर गेंदबाजी में ये अच्छा जा रहा है, तो पार्थ भूत को आप अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई धर्मेंद्र सिंह जडेजा, अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर जडेजा का नाम है तो भाई यहाँ पर विकेट तो जरूर लेंगे और रन भी बनाएंगे, तो यहाँ पर एक मैच में 8 शतक है, 9 विकेट 12 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह जडेजा को आप अपने टीम पे कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भाई जयदेव उनत्कर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी रिसेंट फॉर्म पे मुझे कोई विकेट नजर नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर हर मैच में फ्लॉप है, यहाँ पर बल्लेबाजी में एक मैच में 45 रन बना के 66 गेंदों पे, तो जयदेव उनत्कर को मैं टीम पे ट्राई करूंगा भाई, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और ये प्लेयर कुछ कमाल करके दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा युवराज सिंह तड़ोड़िया, दोड़िया अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर हर मैच में इनके नाम पे विकेट है, 5, 7, 5, 4 इस प्रकार है, तो दोड़िया और ये जयदेव उनत्कर इस टीम का मेन बॉलर रहेंगे, तो इन दोनों को आप ले लेंगे। तो भाई यहाँ पर इस टीम पे आपको दोड़िया, जयदेव उनत्कर, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, पार्थ भूत को भी आप ट्राई कर सकते हो, चिराग जनी, प्रेरक मनकर को आप ले लीजिए, और यहाँ पर पार्थ भूत को अवॉइड कर दीजिएगा भाई यहाँ पर चिराग जनी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं चंद्रेश्वर पुजारा को कंफर्म करूंगा, उसके बाद शेल्डन जैक्सन को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग करना चाहिए एक बार देख लेते हैं भाई यहाँ पर, तो नारायण जगदीशन के साथ साथ मैं शेल्डन जैक्सन को टीम पे लूंगा, इस टीम का एक मेन बैटर है भाई यहाँ पर। उसके बाद बाबा इंद्रजीत विजयशंकर के साई सुदर्शन, क्या अगर ये प्ले 11 पे अवेलेबल है लास्ट मैच अगर देखना है तो यहाँ पर क्या ये खेले, तो यहाँ पर नहीं खेले भाई, तो आप इनको अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर, अगर खेलते हैं तो आप इनको टीम पे जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर आपको चेतेश्वर पुजारा काफी बढ़िया पिक है भाई यहाँ पर, साई सुदर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ये सब मैचेस खेले, लेकिन पंजाब कर्नाटक के खिलाफ लास्ट मैच नहीं खेले थे, तो यहाँ पर आपको साई सुदर्शन अगर प्ले 11 पे अवेलेबल है तो आप इनको जरूर टीम पे रख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो वाशिंगटन सुंदर अपने नेशनल ड्यूटी पे विजय भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ, प्रेरक मनकर, चिराग जनी, पार्थ भूत है तो आप चाहे तो उनको ले लीजिएगा, संदीप पारिया, डोडिया है भाई, डोडिया को आप टीम पे ले लीजिएगा, यहाँ पर इनको मैं टीम पे रख रहा हूँ। तो 10 प्लेयर्स हमने पिक करके रख चुके हैं भाई, और एक बैट्समैन को लेना चाहूंगा मैं वसवाड़ा, काफी प्लेयर्स है यहाँ पर, तो आपको लेना चाहिए भाई विजय शंकर, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इनको टीम पे रखें। अब बात आता है कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक करने का टाइम, लेकिन इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ, यहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट किया जाएगा भाई, आप कबड्डी खेल दो, क्रिकेट खेल दो, जो भी अपडेट आप के लिए आपको फायदा ही मिलने वाला है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को कंपलसरी ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर लिंक अगर ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @SSCFantasy, अगर आप इस प्रकार सर्च करते हो तो मेरे चैनल से हो जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं चंदेश्वर पुजारा को मैं कैप्टन बना रहा हूँ, तो वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर साई किशोर को आप बनाइएगा वाइस कैप्टन, तो यहाँ पर प्रदोष रंजन पाल और यहाँ पर अजीत राम काफी प्लेयर्स है, उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ले सकते हो। तो एक बार मैं टीम आपको दिखाना चाहूंगा, नारायण जगदीशन, शेल्डन जैक्सन, 2 बैट्समैन, 3 बल्लेबाज 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज विजय शंकर, बाबा इंद्रजीत, चेतेश्वर पुजारा, साई किशोर, प्रदोष रंजन पाल,
धर्मेंद्र सिंह जडेजा, जेके वनकर, अजिंक राम और इसके साथ हैं धोनिया है। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको अब देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे साई किशोर और चेतेश्वर पुजारा। तो ये जो टीम है इस टीम को सेव करके रखिएगा पहले, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल वीडियो बनाया था, इसके लिए आप टेंशन मत करना। इससे बढ़िया फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा। ये जो मेरा टीम है एक डेमो टीम आप समझ लीजिए, एक से दो बदलाव होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आप टीम को सेव करके रखिए। तो भाई यहाँ पर मैं टीम को सेव करके रख चुका हूँ और फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।